लुधियाणा के मोती नगर की भगत सिंह कलोनी में बीती रात करीब 10:30 बजे सिलेंडर धमाका होया है। धमाके नाल पूरा इलाका डर गया। हादसे में पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। औरत 90% झुलस गई है और उसकी पति की बांह भी सड़ गई है। इस धमाके तो बाद विड़े के लोगों में दहशत फैल गई है। ये जोड़ा मूल रूप तो बिहार का रहने वाला है। जोड़े का विआह 3 महीने पहला ही होया सी। करीब 1 हफ्ता पहला पिंड तो लुधियाणा आया सी। लोग सड़े हुए पति पत्नी नूं सिविल हस्पताल लै गए। जानकारी देंदे हुए जख्मी पति मोहन ने दस्या कि वह अपनी पत्नी कृति नाल अपने कमरे च मौजूद सी, जिथे उसकी पत्नी खाना बना रही सी। फिर अचानक सिलेंडर की पाइप नूं अग लग गई। अग ने सिलेंडर नूं अपनी लपेट विच लै लिया। इस तों पहला कि वह अग बुझाउंदा सिलेंडर फट गया। धमाके कारण उसके कमरे नूं अग लग गई। कमरे में पिया सारा समान सड़ के सुआह हो गया। पत्नी कृति की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। उसका सारा शरीर सड़ गया है। अग नाल चेहरा और छाती पूरी तरह सड़ गई है। मोहन ने दसाया कि वह मूल रूप तो बिहार के दरभंगा जिले के पिंड तो रहने वाला है। 3 महीने पहला ही उसका विआह होया सी। विआह तो बाद पहली बार वह 1 हफ्ता पहला ही अपनी पत्नी नूं पिंड तो लुधियाणा काम करने लैके आया सी। कृति की नाजुक हालत को देखते हुए सिविल हस्पताल ने उसनू PGI रैफर कर दिया। उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं जो जले हैं आग से? ये रहने वाले बेसिकली बिहार से हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, तो मोती नगर एरिया ये? नहीं, फोकल शेरपुर एरिया पड़ता है, मोती नगर के नेड़े पड़ता है। खाना बना रही थी, खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। अच्छा। आग लग गई। तो जो कौन थी खाना बनाने में? जो हस्बैंड वाइफ दोनों रहती थी। जी, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे जी। तो हस्बैंड भी अंदर है, हस्बैंड की शर्ट लगा हुआ है। हस्बैंड का क्या नाम है? मोहन। और वाइफ का? वाइफ का नाम नहीं पता मुझे। कितने बजे घटना था? कितने बजे ये हुआ हादसा? ये तकरीबन 10 बजे के, 10:15 के आसपास में हुआ है। खाना बना रहे थे? हाँ, 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास। हालत क्या है? हालत क्रिटिकल है। क्रिटिकल है। इनकी शादी को कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा, तो लुधियाना कब से रह रहे हैं? लुधियाना आए 10 दिन हुए थे अभी। कहाँ पे रह रहे हैं? शहीद भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर 3। और ये जब ये हुआ ब्लास्ट हुआ तो और भी ये किराए पे रहते हैं और भी लोग थे? बेड़े में बहुत सारे लगते हैं। बेड़े में तो बहुत अफरा तफरी मच गया था, सारे लोग। पर कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई सिलेंडर भरे जाते हो? नहीं नहीं, वहाँ बेड़े में नहीं सिलेंडर भरा जाता कुछ भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ब्लास्ट हुआ भी पता नहीं चला कैसे हो गया? खाना बनते समय ब्लास्ट हुआ है। वो लेडी जी खाना भी बना रही थी, हम उनके पड़ोसी हैं, हम दूसरे मकान में रहते हैं। ठीक है, और जो ब्लास्ट हुआ तो हेल्प के लिए आए हैं, हम भी अपने बाइक लेकर।